वॉश बेसिन किसको कहते हैं? आपने देखा होगा कि साइड वॉल से कनेक्टेड होता है। डायग्राम यहाँ पर गिवन है क्या? हाँ, डायग्राम इज गिवन। दिस इज द वॉश बेसिन। साइड वॉल के साथ में कनेक्टेड रहता है हमारा वॉश बेसिन, और उसके ऊपर एक ट्रैप लगा हुआ है। दिस इज, यहाँ पर एक पानी का नल भी लगा हुआ रहता है। यहाँ पर अपना हाथ धो सकते हैं, अब फेस वॉश वगैरह हम कर सकते हैं। और यहाँ से क्या होता है, फिर ये वाटर कनेक्ट होता है। यहाँ पर ट्रैप लगा हुआ होता है यहाँ से, और इस ट्रैप के जरिए से फिर ये सलेज पाइप में कनेक्टेड होता है। दिस हाइट इज नियर अबाउट 75.80 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर एक सेंट्रल होल लगा हुआ होता है। दिस इज द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन इज अ वेसल यूज्ड फॉर वॉशिंग हैंड्स, फेस और ब्रशिंग इन स्टैंडिंग पोजिशन। हम खड़े रहकर, हम स्टैंडिंग पोजिशन में इसको यूज कर सकते हैं। इट इज मेड ऑफ ग्लेज्ड अर्दनवेयर और विट्रियस क्ले। इट इज प्रोवाइडेड विथ वन और टू वाटर टैप्स एट द आइदर एंड। कभी कभार यहाँ पर दो टैप भी लगे हुए हो सकते हैं। बहुत टाइप्स के अवेलेबल हैं। आप इसको कभी मार्केट सर्वे करोगे तो आपको समझ में आएगा। द वॉश बेसिन में बी सपोर्टेड ऑन ब्रैकेट्स फिक्स्ड ऑन वॉल और सपोर्टेड बाय द पेडेस्टल्स। अ सेंट्रल होल कवर्ड विथ जाली इज प्रोवाइडेड इन द वॉश बेसिन फॉर ड्रेनिंग वाटर टू द सलेज पाइप। यहाँ पर बॉटम में क्या होता है, एक सेंट्रल होल प्रोवाइड किया हुआ रहता है, और इस सेंट्रल होल के जरिए से वाटर का फ्लो होता है। और यहाँ पर एक जाली लगी हुई होती है, सो दैट अगर कुछ मटेरियल है, कोई सॉलिड प्रोडक्ट, कोई सॉलिड वेस्ट यहाँ पर आ गया तो वो वहां पर क्या करे, इंट्रैप कर जाए। द बेसिन्स आर अवेलेबल इन मार्केट इन वेरियस शेप्स। दे मे बी आइदर ऑफ फ्लैट पैटर्न फॉर माउंटिंग ऑन वॉल्स और एंगल बैक फॉर फिक्सिंग एट द जंक्शन ऑफ द टू वॉल्स। द बेसिन इज प्रोवाइडेड एट 750 mm हाइट फ्रॉम द फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल से नियर अबाउट 750 mm हाइट के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं। एंड द डाउन टेक पाइप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फ्लोर ट्रैप विच इज फिक्स्ड बिलो द फ्लोर लेवल। यूजुअल साइज जो होती है वॉश बेसिन की, वो क्या है, 630 mm बाय 450 mm या 550 mm बाय 400 mm। इसको फ्लैट बैक के ऊपर यूज होता है, या तो फिर एक एंगल बैग भी होता है, उसकी साइज 600 mm बाय 480 mm या फिर 400 mm बाय 400 mm। और भी डिफरेंट साइजेस हैं, बहुत छोटे साइज में भी मिल जाता है, मैक्सिमम साइज में भी मिलता है। ठीक है, आप उसके डायग्राम्स वगैरह देखोगे या इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा।